What's up guys, Sanjyot Keer here, welcome to IFL. आज बना रहा हूँ मैं एकदम ढाबा स्टाइल अमेजिंग रेसिपी काजू मसाला की. बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स में. काजू करी भी बनती है, लेकिन मैं आज वो थिक वाला, जो मसाले वाले, लटपटे मसाले वाले काजू मसाला बनाने वाला हूँ. बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही ब्यूटिफुल बनती है. लेट्स डू दिस. काजू मसाला का जो अनियन ग्रेवी वाला बेस है वो रेडी हो गया है. अभी कई लोग खाली काजू भून के कोई भी ग्रेवी में डाल देते हैं और उसको काजू मसाला बोलते हैं. इट्स नॉट ट्रू. काजू मसाले की जो ग्रेवी है, मेरे हिसाब से उसमें जो रिचनेस है वो काजू से ही आनी चाहिए, तो ही वो परफेक्ट काजू मसाला बनता है. तो काफ़ी सारा काजू यूज़ कीजिए अपनी ग्रेवी बनाने के लिए. और टुकड़ा काजू मिल जाता है, वो चीप होता है. आप होल काजू कभी भी मत यूज़ कीजिए ग्रेवीज़ के अंदर, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कॉस्ट का होता है. आपको 1/3 कॉस्ट में टुकड़ा मिल जाएगा काजू का, वो यूज़ कीजिए ग्रेवी के अंदर, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है. बॉईल करने के बाद एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, पानी को स्ट्रेन आउट कर दीजिए, फेंक दीजिए. जो पानी है जिसमें बॉईल किया आपने, उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, वो नहीं चाहिए. फ्रेश वाटर से प्याज और काजू को धो लीजिए, फिर उसका पेस्ट बनाइए और वो आप ग्रेवी यूज़ कीजिए अपनी रेसिपी के अंदर. तो हमारी अभी ग्रेवी रेडी हो गई है. अभी थोड़ा सा मसाला बनाना है, काजू भुनने, उसमें फिर ग्रेवी ये वाली ऐड करेंगे और फिनिश करेंगे रेसिपी को. वो वाला प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं.
काजू मसाला रेडी हो गया है और बहुत ही अमेजिंग बनती है ये वाली रेसिपी. एकदम ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है. तंदूरी रोटी कुलचे या नान के साथ आप खा सकते हो. अगर आपको काजू करी बनानी है तो इसी में थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड करो, ग्रेवी को पतला कर दो तो आपकी काजू करी बन जाएगी. तो दोनों रेसिपीज़ आप बना सकते हो ये वाली रेसिपी फॉलो करके. ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पर और मुझे बताओ आपको कैसे लगी. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट. हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ढाबा स्पेशल काजू मसाला रेसिपी एट होम. चीयर्स.